वहीं ग्वालियर में बीते दिनों एक रिटायर्ड शिक्षिका को डिजिटली बंदी बनाकर 51 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। इस मामले में एक और आरोपी को राजस्थान के सीकर से गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे मामले के तार देश के विभिन्न राज्यों समेत विदेश से भी जुड़े हैं। वहीं पुलिस ने इसके कब्जे से 15,66,000 रुपए नकदी और नोट गिनने की मशीन बरामद किए हैं। बता दें कि पूर्व में एक गिरफ्तार आरोपी से 50,000 रुपए भी बरामद किए गए थे। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। ये 14 मार्च को एक रिटायर्ड स्कूल टीचर आशा भटनगर के साथ एक गंभीर साइबर फ्रॉड हो गया था। उसमें उनके अकाउंट से 51 लाख रुपया ठगी किया था। उनको ये साइबर माध्यम से, डिजिटल माध्यम से उनको ये विश्वास दिलाया कि आप अरेस्ट हो चुके हैं, आप किसी से संपर्क ना करें, ऐसे बोल के डराया धमकाया और उसके अकाउंट से पैसा एक्सट्रोड किया गया। तो उस गंभीर मामला को संज्ञान में लेके क्राइम ब्रांच के ग्वालियर पुलिस का साइबर सेल इसमें लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है कि इसमें ऑलरेडी 8 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। हम मार्च 14 को घटना हो गया, उसमें फिर लगातार कार्रवाई करके पहले अरेस्ट 1 अप्रैल को हुआ था। छत्तीसगढ़ के बिलाई से कुणाल को हमने गिरफ्तार किया। वो USDT बोल के क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करना बता रहे हैं। वही हम इस केस में पहले अरेस्ट उनका हुआ था। उसके बाद हम श्रीनगर गया था, श्रीनगर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद राजकोट गुजरात से हम 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। फिर 4 लोगों को हम राजस्थान में जयपुर में रेड मार के गिरफ्तार किया। तो ये सारे गिरफ्तारी हम